इस किताब का नाम है वन अमेजिंग सिख एट अ टाइम, ए 51 सिख पर्सनैलिटीज मैन एंड वूमेन अराउंड द वर्ल्ड दे बारे दसदा है। तो इलस्ट्रेटेड किताब हैगी है, सो मैं कहांगी बच्चों वास्ते भी है, उन्होंने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स वास्ते भी है। मेरिया आपदिया दो बेटियां ने, तो मैं चाहती सी कि वो अपने विरसे बारे जानन। तो जदों असी गए मार्केट देखिया तो गुरु साहब दियां बहुत किताबां ने, इनफैक्ट इनसाइक्लोपीडियाज़ ने, पर जे कुछ कंटेंपरेरी या मॉडर्न होवे अज दे बच्चे नू जोड़न लई ओह मैनू मिसिंग लग्या। तो इस प्रयास दे विच निकल गई तो लिखना शुरू किया। तो कुछ पर्सनैलिटीज़ हिस्टोरिकल ने, कुछ कंटेंपरेरी ने, सो देर इज़ अ मिक्स। प्लस मेरी कोशिश सी कि एक सिख हर वॉक ऑफ लाइफ तो दिखाया जाए। सिख कला एक सोल्जर या फार्मर नहीं हुंदा, वो एक लिखारी भी है, पेंटर भी है, साइंटिस्ट भी है। सो कोशिश आ सी कि हर पक्ष नू टच किया जाए। मैनू ऑलमोस्ट 1.5 साल लग गया क्योंकि मैं PhD का काम भी विच कर रही सी। प्लस मैनू ये सी कि इस किताब नू होर आकर्षित बनाने लई बच्चा लई एक इलस्ट्रेटर बहुत अच्छा जरूरी है। सो मैनू अनंतजीत कौर मिले ते उन्हां नाल काम शुरू किया। सो ऑल्सो असी कई पर्सनैलिटीज़ बारे लिखते सी, फिर डिलीट कर देंदे सी। तो इट वॉज अ लोंग प्रोसैस, ऑलमोस्ट 1.5 साल। एंड बाकी है आई वॉज लक्की टू हैव अ वेरी गुड क्रिएटिव टीम। अनंजीत कौर इलस्ट्रेटर ने, द ब्राउजर पब्लिशर है। सो रल मिल के असी आ बुक तैयार की। जी हूँ आ रही ने कुछ रिक्वेस्ट, सो कोशिश ये रहेगी कि पंजाबी भी ट्रांसलेट की जाए किताब। हाँ जी, ये तो शुरुआत ही है। इस कॉम ने तो बहुत हीरोज़ दिते है, सो 51 इज़ नॉट द नंबर टू स्टॉप। होर भी किताबा हो गया। देखो मैं समझना कि एक सीरत गिल वालों एक बहुत खूबसूरत एफर्ट करके जड़ी पंजाब दी ते विशेष तौर दी सिख कौम दियां कंट्रीब्यूशनज अपनी देश की आज़ादी दे विच, अपनी देश की आज़ादी तो बाद दे विच, अपने देश की आज़ादी नूं बरकरार रखन दे विच, ते इस तों पहले भी जिहड़े आईकॉन आईकॉनिक सिख होए भावें किसी सफेयर च होण, भावें हिस्टरी दे विच होण, भावें स्पोर्ट्समैन होण, तो उन्हां बारे एक जानकारी दित्ती है जो मैं समझना एक बहुत अच्छी गल है। जिहड़े आने वाले स्टूडेंट्स ये इस टाइम साढ़े बच्चे जिहड़े ने ये ज़्यादा इनफ्लुएंस इन्हां दे वैस्टर्न वर्ल्ड दा, क्योंकि ये टेलीविजन दे विच न्यूज़ आ जिहड़े नैटफ्लिक्सेज ने या जिहड़े ड्रामाज वेखते हैं या मूवीज़ वेखते हैं, ये ज़्यादा आईकॉन वैस्टर्न वर्ल्ड दे वेखते हैं। जदों साडी सोसाइटी सारे नो पुरानी, जे कोई इतिहास है हिंदुस्तान ते चीन दा, जे कोई आईकॉन्स होए ने हिस्टरी दे विच, वड्डे तो वड्डे जरनैल, वड्डे तो वड्डे राइटर्स, वड्डे तो वड्डे एडमिनिस्ट्रेटर्स, पॉलिटिशियंस, स्पोर्ट्समैन, वो साढ़े अपने रहे। साढ़े बच्चों नू अपने आईकॉन्स बारे जानकारी होएगी ते आंदे टाइम दे विच वो अपने देश का ते अपनी कौम का नाम रोशन करनगे। सो मैं ये दिली मुबारकबाद पेश करना सीरत हुणा नू विरसे विच। उन्हां दे ग्रैंडफादर जिहड़े सी बहुत मशहूर पंजाबी दे राइटर सी, पोलिटिकल स्टायर बहुत अच्छा लिखते सी, सा गुरनाम सिंह धीर। उन्हां दे मदर भी जिहड़े ने सरदारनी बबू धीर जी, वो भी उन्हां दी राइटिंग्स भी जिहड़ियां ने बहुत सारे TV चैनल्स ते रेडियो टॉक्स के उत्ते पंजाबी अखबारों के छपदियां ने, तो बहुत लोग उन्हां तों प्रभावित होंदे ने। मेरा ख्याल बहुत छोटी उम्र च बड़ा वड्डा एफर्ट है अपने विरसे नूं सामना, तो मैं उन्हां नूं बेस्ट ऑफ लक कहांगा क्योंकि शी इज़ पार्ट ऑफ द फैमिली। उन्हां दा परिवार मेरे रिश्तेदार भी ने, नज़दीकी मित्र भी ने, दोस्त भी ने, तो साडी तां अपनी बेटियां वर्गी है। तो मैं अज विशेष तौर पर अज उन्हां नूं इत्थे मुबारक देण वास्ते।